फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लेनेट। गुड मॉर्निंग यू ऑल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 14th जुलाई 2020 विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी बायलिंगुअल। यस, ये सेशन होने वाला है बायलिंगुअल। क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी हिंदी में, और मैं आपको हिंदी में भी डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस। एंड टू गेट पीडीएफ यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, बट बिफोर वी स्टार्ट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी सेशन। जी हाँ, आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? कौन सा राज्य बन गया है जिसने फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करा? एंड आंसर इज ऑप्शन डी, और आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के द्वारा फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करा गया। और इसके फैक्ट्स भी हम जानेंगे, उससे पहले हम कुछ छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज आर आंसर। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ के द्वारा हाल ही में लॉन्च करा गया था सीजी हार्ट ऐप, पढ़ाई तुआ द्वार, स्टडी एट योर डोर, एंड राजीव गांधी किसान न्याय योजना और स्पंदन स्कीम। ये सारे फैक्ट्स भी हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, और हम क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पायोनियर्ड ई लोक अदालत इन द स्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम एंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी एमिकेबली सेटल्ड ओवर 2200 केसेस, मैनी ऑफ विच वर मोर देन 5 ईयर। जो ज़्यादातर केस जो ये हैं 2200 केसेस इनके द्वारा लिए गए, और ज़्यादातर इनमें से क्या थे 5 ईयर से पुराने थे। चीफ जस्टिस पी आर राजेंद्र मेनन एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन जस्टिस प्रशांत मिश्रा सेड दिस वॉज एन अटैम्प्ट टू रीच द जजेस एंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम टू द डोर स्टेप ऑफ लिटिगेंट्स हु could not approach the court because of the pandemic caused lockdown in a unique attempt। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि ये वाला अटेम्प्ट किया गया, जो ये प्रयास किया गया, जो लोग लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से यहाँ कोर्ट में नहीं पहुँच पाते हैं, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनकी डोर स्टेप पे ये ऑर्गेनाइज करा गया था, एक यूनिक वे में ये अटेम्प्ट करा गया था, इनिशिएटिव लिया गया था। और ई अदालत क्या होती है? ई अदालत होती है अगर कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग होते हैं उन्हें अदालत के बाहर सुलझाया जाना, ई अदालत जो ये अदालत है इसमें करा जाता है। तो ये सब है जो फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हैज़ बिकम डैश लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कंट्री इन द यूके। इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन गया है जिसने कि यूके यानी कि ब्रिटेन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा है, और इंडिया बन गया सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन यूके। और अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना है डिटेल में, तो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस सेशन में, जिसमें मैंने डिटेल में 3 क्लासेस में इसको डिस्कस करा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन नटशेल होता है कि किसी भी कंट्री में अदर कंट्रीज के द्वारा इन्वेस्ट करना उनके बिजनेसेस में और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रूट से। इसे कहा जाता है FDI, जिससे कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इससे प्रॉफिट होता है। जब जो इंडिजीनियस इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते किसी स्टार्टअप में, तो FDI से उनको इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है। तो इसके डिफरेंट फेस मैंने डिटेल में डिस्कस करे हैं प्रीवियस सेशन में, आप देख सकते हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट बन गया इंडिया इन्वेस्टर इन द यूनाइटेड किंगडम। हम देख लेते हैं टॉप जो लार्जेस्ट कंट्री है यूके में इन्वेस्ट करने वाली FDI का सोर्स कौन है। इंडिया मूव्ड अप रैंक
become second largest foreign investor in UK, India invested in 120 projects and created 5,429 new jobs in the UK to become the second largest source of foreign direct investment after the US in 2019, according to new UK government figures released on Friday. जो यूके गवर्नमेंट है उनके द्वारा फिगर्स रिलीज करे गए थे उसके अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन गया और फर्स्ट यूएस रहा है और इंडिया ने 5,429 जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प करी है। तो ऐसे ही एफडीआई हमारे इंडिया में भी अगर किसी कंट्री से आता है तो हेल्प करता है। और आपको बताना है इंडिया के लिए लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है एफडीआई के लिए, एंड सिंगापुर है लार्जेस्ट सोर्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, Name the person who has won the Dadasaheb Phalke Award 2020 for Shree Lupo, a documentary on honey hunting. हाल ही में एक documentary Shree Lupo, a honey hunting, जो honey को कैसे hunt करा जाता है, कैसे capture करा जाता है, उसके लिए जो documentary बनाई गई है, तो उसके लिए Dadasaheb Phalke Award 2020 किसे दिया गया है? And answer हमारा बन जाता है option A, Kazang D Thongdok. Kazang D Thongdok को दिया गया है। और बाकी के ऑप्शन से भी हम डिस्कस कर लेते हैं और हमारा आंसर है ऑप्शन ए, जो ये हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क है एंड एलन जॉनसन सरलीफ है, इनके बारे में हमने कल ही डिस्कस करा था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप करा गया था, कॉन्स्टिट्यूट करा गया था एक हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल COVID-19 रेस्पॉन्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब जाने के लिए, तो उसके चेयर करेंगे ये दोनों हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क एंड एलन जॉनसन सरलीफ। और ज्ञानेंद्र निंगबाम, ये भी हमने कल के ही सेशन में डिस्कस करा था, इन्हें अपॉइंट करा गया ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन बन गए? ज्ञानेंद्र निंगबाम। तो ये सारे फैक्ट्स भी हैं। हम देख लेते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का कुछ इमेज वे में, जिसे हमको पता चल जाए, जिससे इन्हें अवार्ड दिया गया था ची लूप को, जैसे यहाँ से ये हनी हंट करते हैं, कैसे ये लेते, तो ये सब इसके बारे में ये बताया गया है। आई होप आपको इमेज से ये सब क्लियर होगा, हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली रोटारी फाउंडेशन हैज ऑनर्ड विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। हाल ही में जो रोटारी फाउंडेशन है ये शिकागो बेस्ड फाउंडेशन है, इन्होंने कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया? एंड आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस पॉल हैरिस फेलोशिप रिकॉग्निशन से सम्मानित करा गया है। और ये इससे क्यों सम्मानित करा जाता है? क्योंकि कोई भी अगर वर्क करता है टुवर्ड्स सैनिटाइजेशन, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में, और जो अच्छा काम करता है उनको रिकॉग्निशन होता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करा जाता है, तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को दिया गया। द रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल शिकागो हैज़ ऑनर्ड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इडापदी के पलानी स्वामी विद पॉल हैरिस रिकॉग्निशन। पॉल हैरिस रिकॉग्निशन से इन्हें सम्मानित किया गया इनके वर्क के लिए। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के थर्ड प्राइम मिनिस्टर रीइलेक्ट हुए हैं और ये कौन बन गए हैं? आंसर इज ऑप्शन बी, और आंसर इज ली हेजियन लूंग। ली हेजियन लूंग ये बन गए थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। अभी इनके द्वारा इलेक्शन में विन ये जीते हैं और ये विनर रहे हैं इलेक्शन में, और ये थर्ड टाइम थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सिंगापुर के। और बाकी के ऑप्शन से भी देख लेते हैं। रॉबर्ट अबेला जो हैं ये माल्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं, माल्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं। और माल्टा की कैपिटल करेंसी क्या है? माल्टा की कैपिटल है वेलटा एंड करेंसी है यूरो। जानिस जेनेसा हैं, जानिस जेनेसा कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं स्लोवेनिया के, स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और स्लोवेनिया की कैपिटल है जुबलजाना, जुबलजाना कैपिटल है स्लोवेनिया की, और जिसमें एल साइलेंट है, और करेंसी है यूरो। और जोरान मिलानोविक ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है क्रोएशिया के, क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं, और इसकी कैपिटल करेंसी है जागरेब, कैपिटल है जागरेब एंड करेंसी है कूना, करेंसी है कूना। तो इतने सारे फैक्ट्स ऑप्शन से भी हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है सिंगापुर की वर्ल्ड मैप में पोजीशन। जब सिंगापुर की बात आई तो हम वर्ल्ड मैप में इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिया। ये इंडिया है और इसकी रेस्पेक्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद ये जो ये है सिंगापुर आपको दिख रहा होगा, ये सिंगापुर है और आपको ब्रॉडर वे में दिखाया गया यहाँ ये सिंगापुर है। तो ये है एशिया, ये एशियन पार्ट आएगा और यहाँ पे ये सिंगापुर आएगा और तो इंडियन ओशन में आपको ये इसकी मैप होगी। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याको, प्राइम मिनिस्टर हमने अभी डिस्कस करा ली हसियन लुआंग और प्रेसिडेंट है हलीमा याको, कैपिटल है सिंगापुर एंड करेंसी है डॉलर, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट, अभी तक के आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं करा तो सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन असीम, असीम जो है ये पोर्टल हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है, इसमें एस का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग क्या है? आंसर इज स्किल्ड, आंसर इज ऑप्शन डी, स्किल्ड है इसका मीनिंग, स्किल्ड है इसका मीनिंग। असीम की फुल फॉर्म और इसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग असीम। इसकी फुल फॉर्म क्या बन गई? लॉन्च्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड, स्किल्ड फुल एस है, एस का मीनिंग है स्किल्ड, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग इसका फुल फॉर्म बन जाता है ये, इसे आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। पोर्टल टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, जो स्किल पर्सन है उनको जो है लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, जीविका प्रोवाइड करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च करा गया स्किल एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा। आपको बताना स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर कौन है। और द पोर्टल इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द स्किल्ड वर्क फोर्स, जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं इनके बीच में जो गैप है यानी कि डिमांड के मतलब इनमें इनको ये इजीली अवेलेबल हो जाए और जो इनको जॉब चाहिए जॉब सीख कर रहे हैं उनके लिए ये पोर्टल काम करेगा, इनके बीच में ब्रिज का काम करेगा। की पॉइंट्स क्या हैं? डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन कोलेबरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस, बेटर प्लेस जो है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी उनके द्वारा डेवलप करा गया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। विच एंटिटी हैज़ बॉर्न द प्रेस्टीजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अंडर द आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी, किसके द्वारा हाल ही में जीता गया प्रेस्टीजियस CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 अंडर द आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, और ये जीता गया है हाल ही में NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है इनके द्वारा ये जीता गया है और इनको दिया गया ये अवार्ड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में। तो हम इसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं। और NTPC इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, NTPC इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और रमेश बाबू हाल ही में मई 2020 में ही रमेश बाबू को अपॉइंट करा गया था डायरेक्टर ऑफ NTPC ऑन ऑपरेशन, यानी ऑपरेशनल डायरेक्टर अपॉइंट करा गया था NTPC में किसे, रमेश बाबू को। NTPC लिमिटेड अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी हैज वॉन द प्रेस्टीजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 अंडर द आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। NTPC has received commendation for significant achievement in the category of CSR, in the category of CSR. तो ये फैक्ट्स हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, इट इज लॉन्च्ड बाय, हाल ही में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च करा गया और ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च करा गया है, ये किसके लिए लॉन्च करा गया, स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया, और ये लॉन्च करा गया नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उन्होंने लॉन्च करा ATL ऐप स्कूल चिल्ड्रन के लिए।
तो ये लॉन्च करा गया अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, और नीति आयोग की चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जो है वो है चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन है जो राजीव कुमार है, और सीईओ है अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत को अभी हेड करेंगे एक पैनल जो नीति आयोग के द्वारा डेवलप करा गया है जॉब प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, तो उसे भी हेड करा जाएगा अमिताभ कांत के द्वारा। इतने फैक्ट हैं नीति आयोग से रिलेटेड। और हम ATL ऐप के बारे में कुछ जान देते हैं। ऑप्शन सी इज आर आंसर। अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग हैज लॉन्च्ड द ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। द ऐप वॉज लॉन्च्ड टू टैकल COVID-19 पैंडेमिक। द मूव्स कम एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग इंडियंस टू लर्न स्किल एट अ यंग एज एंड टू इनेबल दैम टू बिकम अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लीडर्स। यानी ATL जो है ऐप लॉन्च करा गया है जो यंग जनरेशन है उनको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए ये डेवलप करा गया है। तो ये इसका जो समरी निकलता है, ATL ऐप यंग जनरेशन को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएगा। तो ये है ATL ऐप एम क्या है। नीति आयोग लॉन्च द ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल इन कोलैबोरेशन विद प्लैमजो एंड इंडियन होम ग्राउंड स्टार्टअप। द ATL ऐप इज एन ऑनलाइन कोर्स एंड इज कम्प्लीटली फ्री फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए फ्री है, और ऑनलाइन इससे वो सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। नेम द विनर ऑफ स्टीरियन ग्रैंड पिक्स 2020। स्टीरियन ग्रैंड पिक्स 2020 के विनर का नाम बताइए, और आंसर इज ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन बन गए स्टीरियन ग्रैंड पिक्स के विनर। इसके फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं, ये है लुइस हैमिल्टन। द 2020 स्टीरियन ग्रैंड पिक्स वॉज अ फॉर्मूला वन मोटर रेस दैट टुक प्लेस ऑन 12 जुलाई, ये 12 जुलाई को हुई थी एट द सीरियन ग्रैंड प्रिक्स। द रेस वॉज नेम्ड फॉर स्टीरिया द स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया दैट रेड बुल रिंग इज लोकेटेड इन। डिफेंडिंग ड्राइवर्स चैंपियन लुइस हैमिल्टन वॉज द फोर्थ इन द स्टैंडिंग 13 पॉइंट्स ऑफ द चैंपियनशिप लीड। यानी कि ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा विन करी गई है। रंजन सहगल पास्ड अवे रिसेंटली एट एन एज ऑफ 36 ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ही वॉज एसोसिएटेड टू विच प्रोफेशन। रंजन सहगल है, इनका हाल ही में निधन हो गया 36 ईयर्स की एज में, क्योंकि इनके जो मल्टीपल ऑर्गन थे वो फेल हो चुके थे इसकी वजह से। और ये कौन थे, ये थे एक्टर, टीवी एक्टर थे ये, और इनके जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया गया था, फेल हो गए थे, इसी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो ये एक्टर थे। ऑप्शन ए इज आर आंसर। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।